सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने ब्रेक एलिमेंट्स देखा था, प्रोडक्शन के बैकअप प्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे, और हमने सिंगल लाइन डायग्राम देखा था, हमने परफॉर्मेंसेस देखे थे अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, करंट, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हमने देखा था, फिर बैकअप प्रोटेक्शन के बारे में हमने स्टडी की थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़ा था, रिले बैकअप, रिमोट बैकअप, ब्रेकर बैकअप, इन सारी चीज़ों के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट दी कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स, कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग का फॉल्ट आता है, ठीक है। इसको दोष या प्रदोष भी बोलते हैं हम लोग, दोष या प्रदोष, ठीक है। तो दोष या प्रदोष के बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो प्रदोष होता है त्वरित द्वारा उत्पन्न हो सकता है, मतलब अगर किसी भी प्रकार की फॉल्ट्स कैन ऑकर ड्यू टू लाइटनिंग, जो सबसे जो पहला फॉल्ट का ऑकरेंस होता है उसका होता वो किसके कारण होता है, तड़ित के द्वारा। तड़ित मतलब हमारा लाइटनिंग, किसी भी प्रकार की हमारी थंडर स्टॉर्म आया, लाइटनिंग आई, तो उस कारण से ये होता है। दूसरा, जो भी हमारा फॉल्ट होता है अगर किसी भी प्रकार का मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल स्ट्रेस और फोर्स अगर हमारे लाइन में अगर आता है, ठीक है, ठीक है, या अगर हमारा मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल स्ट्रेस हमारे अगर लाइन में आता है तो फॉल्ट ऑकर होता है ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स और मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब यांत्रिकी आघात। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है संचारण एवं वितरण प्रणाली का अच्छी तरह अनुरक्षण ना होने पर, मतलब जब हम लोग प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम अगर हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता है, नो प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, अगर लाइन में किसी प्रकार का प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो फॉल्ट का ऑकरेंस होता है। और चौथा और इम्पोर्टेंट क्या है, हिंदी में आप समझें, सही प्रचालन ना होने के कारण तथा प्रणाली के अधिक पुराना होने के कारण से भी विद्युत प्रदोष उत्पन्न होता है, मतलब अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है पार्ट्स का, अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है या और ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग और एजिंग अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है हमारा, क्या अगर बहुत पुराना हो गया है हमारा इक्विपमेंट्स मशीनरीज, तो उस वजह से भी हमारा फॉल्ट का ऑकरेंस होता है और फॉल्ट उसके कारण से हमारे पावर सिस्टम में आता है। ये तो थी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉल्ट, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो पहला लाइटिंग के कारण से आ सकता है, दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स या किसी भी प्रकार का उसमें एक्सीडेंट की वजह से आ सकता है, तीसरा प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसका प्रॉपर देख रेख नहीं होगा। अगर देख रेख नहीं होगा, देख रेख नहीं होगा हमारे सिस्टम में तो भी फॉल्ट उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो थर्ड है वो ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से या हमारा पुराने हो जाने के कारण से फॉल्ट आता है। अब ये तो हुए कि फॉल्ट क्यों आते हैं, कि फॉल्ट के कारण क्या होते हैं। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के आ जाने से हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट।
ठीक है, हमने अभी तक देखा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉल्ट, हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट। तो पहला, अगर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है तो मकान और दुकानों में आग लग सकती है, जिससे जान माल का हानि हो सकता है। मतलब अगर इफ फॉल्ट ऑकर्स, अगर फॉल्ट ऑकर होता है तो देन हीटिंग ऑफ होम्स या फायर, है ना, हीटिंग ऑफ होम्स एंड शॉप्स कैन हैपन। ठीक है, मतलब या फायरिंग, अगर फायर फायर ऑफ होम्स एंड शॉप्स कैन ऑकर विच लीड्स टू, उसके कारण से क्या होगा, विच लीड्स टू लॉस ऑफ ऑफ मैन एंड मनी। ठीक है, जैसे कि जान माल का खतरा या उसको हानि होती है। ठीक है, ये पहला फॉल्ट के ऑकरेंस का इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, इंटरकनेक्टेड सक्रिय परिपथ दोष के उत्पन्न होने से प्रभावित होता है। देखिए, अब हम लोग जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड पूरे सिस्टम जो है वो रहते हैं। अगर एक सिस्टम कनेक्टेड है तो उससे दूसरा कनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्टेड जो सिस्टम है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में बी फेल्ड, ठीक है, इंटरकनेक्शन सिस्टम का फेलियर हो सकता है। तीसरा है हमारा, संचालन लाइनों में ओवर करंट फ्लो होने से दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जो ओवरफ्लो होता है संचारण लाइन, जो हमारी लाइन है उसमें अगर करंट फ्लो, ओवर करंट फ्लो होता है, ओवर करंट कैन ऑकर। ठीक है, ओवर करंट कैन ऑकर एंड डिपेंड्स विल नॉट बी सेफ। ठीक है, ओवर करंट आ जाएगा और इक्विपमेंट जो है वो सेफ नहीं होंगे। ठीक है, अब ये तो क्या था इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट। और लास्ट इफेक्ट क्या है, इफेक्ट जो है हमारा कि ड्यू टू फॉल्ट जो हमारे जनरेटर हैं, जनरेटर, डिफॉल्ट जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स, सो जो भी बड़े बड़े हमारे मशीनरीज हैं, जैसे कि जनरेटर हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इनका जो संपर्क है, जो इनका जो मतलब हमारा क्या कांटेक्ट है, कांटेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। संपर्क जो है ड्यू टू फॉल्ट, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, इसके कारण से ट्रांसमिशन लाइन से ये डिसकनेक्ट हो जाते हैं, और अगर ये फेलियर हो गए तो सीधी सी चीज है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, अनऑपरेटेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दिस आर द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द फॉल्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्विच केयर एंड प्रोडक्शन का जो सब्जेक्ट है उसमें, और हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, कि कौन से प्रकार के फॉल्ट्स हमारे पावर सिस्टम में होते हैं। सबसे पहला फॉल्ट है वो है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। देखिए, ओपन सर्किट फॉल्ट सीधी सी बात है, जब हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें एक या एक से अधिक फेसेस, ठीक है, जब ओपन हो जाए, एकदम सिंपल सी चीज़ है, देखिए आर वाई बी हमारे तीन फेजेस हैं, अगर इनमें से कोई भी फेस अगर ओपन सर्किट हो जाए, ठीक है, अगर ये ओपन हो जाए
कोई भी एक या एक से अधिक, तो उस टाइप के फॉल्ट के ऑकरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। और इसको कभी कभी हम लोग ब्रेकअप फॉल्ट भी बोलते हैं। और ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला सिंगल फेस ओसीएफ, दूसरा टू फेस ओसीएफ, मतलब सिंगल फेस ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा टू फेस ओपन सर्किट फॉल्ट, और तीसरा थ्री फेस ओसीएफ। मींस ओपन सर्किट फॉल्ट जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इसमें देखते हैं। और सीधी सी बात है, जब हमारा तीनों लाइन एक या एक से अधिक, जब हमारे फेजेस ओपन हो जाते हैं, मतलब अगर वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का जो दोष होता है, उस टाइप के फॉल्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो फॉल्ट है वो है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट है गाइस, ये कैसे आता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बेसिकली सिस्टम में जब दो या दो से अधिक फेस इसी प्रकार से परस्पर लघु परिपथ में हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए ये तीन फेसेस हैं हमारे, अगर किसी कारणवश ये आपस में जुड़ गए, ये आपस में जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, तो इस टाइप के जब, तो इसके कारण से जो फॉल्ट उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मतलब दो लाइनें जो है, दो फेजेस हैं, जब वो आपस में क्या है, एक साथ एक सीरीज सर्किट बना लेती हैं या जुड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एंड दिस आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। पहला है ये टू फेस एस सी एफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और दूसरा है हमारा थ्री फेस एस सी एफ, ठीक है। सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा थर्ड प्रकार का जो फॉल्ट है वो है हमारा अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राउंड फॉल्ट। तो अगेन जब हम लोग देखिए, अगेन वही वाली बात है, अगेन अगर हमारे ये तीन फेसेस हैं आर वाई बी, जब ये एक या एक से अधिक फेस किसी प्रकार से हमारा अगर अर्थ से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो जुड़ जाते हैं या उसके संपर्क में आ जाते हैं या इसके संपर्क में आ जाते हैं, तो उस समय जो फॉल्ट आकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। और एक एक फेस भी हो सकता है, कभी दो फेस हो सकते हैं, कभी तीन फेस हो सकते हैं। तो ये दो तीन प्रकार के हमारे, तो ये अर्थ फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट पहला कौन सा प्रकार हो जाएगा, इसमें भी ये है सिंगल फेस डीएफ, दूसरा टू फेस डीएफ, और तीसरा है हमारा थ्री फेस डीएफ। सो ये हमारे बेसिकली ग्राउंड फॉल्ट है। ग्राउंड फॉल्ट में जब हमारा एक या एक से अधिक फेस पृथ्वी या अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, जुड़ जाता है किसी कारण से, तो उस समय ग्राउंड फॉल्ट ऑकर होता है। तो या तो सिंगल फेस ग्राउंड फॉल्ट ऑकर हुआ है, या तो डबल फेस ग्राउंड फॉल्ट, या तो थ्री फेस ग्राउंड फॉल्ट। तो दिस आर दी बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब जो चौथा प्रकार का फॉल्ट है वह है हमारा कंबाइंड फॉल्ट। क्या है गाइस? कंबाइंड फॉल्ट। तो व्हाट इज दिस कंबाइंड फॉल्ट? कंबाइंड फॉल्ट क्या होता है? जब किसी भी विद्युत शक्ति प्रणाली के खुला पथ दोष, लघु पथ दोष या भू दोष पथ में से जब कोई भी दो दोष, दो या दो से अधिक दोष एक साथ घटित होते हैं, तो वह संयुक्त दोष होते हैं। फिर इस बार व्हेन व्हेन इधर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स साइमल्टेनियसली,
ठीक है, इन अ पावर सिस्टम, ठीक है, जब हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट या ओपन सर्किट फॉल्ट, तीनों फॉल्ट एक या एक साथ ऑकर हो जाते हैं, तो उस टाइप के फॉल्ट को क्या बोलते हैं? हम लोग कंबाइंड फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का फिफ्थ टाइप का फॉल्ट है वो है हमारा कोरोना लीकेज फॉल्ट। तो अब ये कोरोना लीकेज फॉल्ट क्या है? जब किसी भी विद्युत शक्ति प्रणाली पे एक या एक से अधिक चालक की सतह पे विद्युत आवेश का क्षरण प्रत्यक्ष वायुमंडल से होने लगता है, ठीक है, मतलब जब हमारा किसी भी ये तीन फेसेस में से किसी भी एक फेस का हमारा जो अर्थ के एम्बियंट या एनवायरनमेंट के साथ उसका कांटेक्ट होना चालू हो जाता है, तो उस समय ये जो हमारा लीकेज क्रिएट हो जाता है और उसी लीकेज को हम लोग बोलते हैं कोरोना लीकेज फॉल्ट, ठीक है। और ये भी तीन प्रकार के होते हैं, या तो ये सिंगल फेस CLF या टू फेस CLF या थ्री फेस CLF होते हैं, ठीक है। सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ फॉल्ट। और लास्ट फॉल्ट जो है वो है हमारे सिक्स्थ टाइप का फॉल्ट, दैट इज ओवर करंट इलेक्ट्रिक फॉल्ट। तो ओवर करंट इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्या होता है? क्यों तो किसी भी फेस में जो एक एक वैल्यू है, मतलब एक परमिसिबल वैल्यू के करंट का फ्लो से, अगर वो करंट के फ्लो, यहां पर सब में करंट फ्लो करता है, मान के चलिए आई आर आर वाई आर बी आई वाई और ये आई बी, अगर ये करंट कोई भी किसी भी फेस में जब हमारा जो एक मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा की वैल्यू कम हो जाए आई आर से, तो उस केस में यहाँ पर ये ओवर करंट इलेक्ट्रिक फॉल्ट का कारण बन जाता है। और ओवर करंट इलेक्ट्रिक फॉल्ट के उत्पन्न होने से हमारा जो क्या बोलते हैं ये सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? जल जाता है। सो दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स और व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट हम लोग ने समझा, एंड व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ फॉल्ट। सो दिस आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो कि हम लोग इस सिस्टम में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, दैट इज दी रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं भू संपर्कण। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, ठीक है, हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं भू संपर्कण, भू संपर्क कण, ठीक है। सो भू संपर्कण क्या है? बेसिकली भू संपर्कण कि इस पद्धति में न्यूट्रल को भू प्रतिरोध द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या डायग्राम है। आर वाई एंड देन बी, ठीक है।
ये तीन टाइप के हमारे फेजेस हैं। पहला है आर, दूसरा है वाई और तीसरा है बी। ठीक, अगर हम लोग मान के चलिए कि अगर ये हमारा लाइन है, हमारा लाइन है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा मान लेते हैं कि ये फेज में हमारा फॉल्ट ऑकर हुआ, कहाँ पर, आर फेज में, ठीक है। तो और इसमें आई एफ जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो ये पहले हम लोग डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे आखिर माजरा क्या है। ठीक है, ये आई आर वाई का डायरेक्शन है और ये हमारा है, ये हमारा आई आर बी का डायरेक्शन है, ठीक, ये हमारा सी वाई है, हमारा सी बी है, ये हमारा आई आर वाई, ठीक, ये हमारा मान के चलिए इधर इस साइड फॉल्ट करेंट आई एफ। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भू संपर्कन या रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग होता क्या है। तो भू संपर्कन या रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग को समझने के लिए पहले हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे कि जब हम लोग न्यूट्रल को, ठीक है, भू प्रतिरोध द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, देखिए हम लोग ये न्यूट्रल जो है इसको जोड़ दिए एक प्रतिरोध के माध्यम से, ठीक है, डायरेक्ट ग्राउंड कर दिए। तो भू संपर्क प्रतिरोध धात्विक अथवा द्रव हो सकता है। धात्विक प्रतिरोध समय के साथ साथ नहीं बदलता, ठीक है, ये जो धात्विक हमारा प्रतिरोध है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये विद द टाइम ये नहीं बदलता, वह बहुत सुदृढ़ होता है, परंतु इसका गुण प्रेरणिक होता है, ठीक है, ये जो होता है इसका प्रेरणिक गुण होता है, प्रेरणिक गुण होता है, और जिसके कारण जो हमारा लाइन है, सिरोपरि लाइन है, उसमें वो तड़ित हेतु उपयुक्त नहीं होता। अगर किसी प्रकार का हमारा अगर लाइटनिंग आया तो उसके लिए वो प्रॉपरली प्रॉपर नहीं होता है, किसी प्रकार के फॉल्ट के लिए वो प्रॉपर नहीं होता है। तो जो जो हमारा द्रव प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोधी होता है, उसका उपरोक्त दोष इसमें नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आर फेस में एक किसी प्रकार का फॉल्ट विकसित है, तो जो आई आर वाई है और आई आर बी जो है, ठीक है, ये देखिए आई आर वाई और आई आर बी जो है हमारे, वो जो वो बिंदु एफ पर दोषयुक्त फेस आर में प्रभावित हो रही है, ठीक है, ये जो आर फेस है इसमें ये दोनों क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। इन धाराओं आई आर वाई और आई आर बी की प्रमाणी धारा क्या है, आई सी एफ क्या है, इनका जो प्रमाणी धारा है वो है हमारा आई सी एफ, ये जो आई सी एफ है, ठीक है, और तीसरी जो दोष धारा है वो है आई एफ, ये बिंदु एफ पर है, मान के चलिए ये पॉइंट हमारा एफ है, तो आई एफ जो है वो एफ पर फेस आर में धरिताएँ धाराएँ आई आर वाई और आई आर बी जो है हमारा के साथ प्रवाहित होती है। यह दोष धारा शक्ति साधन के शून्य अनुक्रम प्रतिबाधा के साथ साथ दोष बिंदु तक लाइन के प्रतिरोध एवं भू संपर्कन प्रतिरोध पर निर्भर करती है, ठीक है। इस दोष धारा को सक्रिय एवं प्रतिकारी दो अव्ययों क्रमशः आई डब्ल्यू एंड आई म्यू विघटित हो किया जा सकता है शेष धारा द्वारा आई डब्ल्यू। ये बेसिकली गाइस न्यूट्रल जो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है, इसमें जो ये फॉल्ट अगर अराइज होता है तो
यहाँ पर हम लोग ये जो एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसको डायरेक्ट ग्राउंड करते हैं, और जिससे कि हमारा फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग को सहायक होता है। इतना ही तुमको जानना और समझना ज़रूरी है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के बारे में, अदरवाइज यू आप लोगों को कन्फ्यूजन सा हो जाएगा, ठीक है। सो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वहीं पर एंड अप होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, एंड आप लोगों का जो क्या बोलते हैं सीटी होने वाला है, उस सीटी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पूछेंगे। थैंक यू।